सबसे पहले हम लेंगे कांच का एक कंटेनर जो कि माइक्रोवेव सेफ होगा। मैंने यहाँ पे स्क्वायर शेप में बोरोसिल का कंटेनर लिया है। फिर हम लेंगे बासमती राइस, आप कोई भी ब्रांड का बासमती राइस यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे सर्वेश्वर का एक्सेल बासमती राइस यूज किया है जो कि प्राइम है। देखिए मैंने यहाँ पे ग्लास का कंटेनर यूज किया ताकि आप देख पाए, एक कप राइस लिया है मैंने। राइस को आप अच्छे से पानी में धो लीजिए, आपको 3 बार अच्छे से पानी में धोना है ताकि उसका एक्स्ट्रा स्टार्च सारा निकल जाए। तीन बार धो लिया है मैंने, एक्सेस पानी मैंने निकाल लिया है। फिर हम इसके अंदर डालेंगे 1½ कप पानी। अगर आपने 1 कप राइस लिया है तो 1½ कप पानी डालेंगे आप। इसी प्रपोर्शन से आप राइस की क्वांटिटी और पानी की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं और इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे 30 मिनट तक। तीस मिनट के बाद हम माइक्रोवेव करेंगे। माइक्रोवेव ऑन कीजिए, कंटेनर माइक्रोवेव के अंदर डाल के हम 13 मिनट्स तक नॉर्मल इसको माइक्रोवेव करके स्टार्ट कर देंगे। टाइमर मैंने 13 मिनट्स रखा है और देखिए आफ्टर 13 मिनट्स राइस इज रेडी। देखिए कितना खिला खिला राइस बना है। आप चाहें तो जब आप राइस बना रहे हैं पानी में आप 1 चम्मच घी या बटर भी डाल सकते हैं, इससे चावल और खिला खिला बनता है। और 13 मिनट्स में ही रेडी है हमारा राइस। यू रियली डिड अ ग्रेट जॉब, इंजॉय कीजिए गरम गरम राइस। थैंक यू।